जी नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कपूर। आइए जानते हैं आने वाला एक सप्ताह आप सबके लिए क्या कहता है और किस तरह का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। मेष राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में हालात मददगार हैं, पर बढ़ते हुए खर्चों को थोड़ा सा थामना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कुछ करने की इच्छा में आप अपने मन की घबराहट को बढ़ा दें, इसलिए योजना बनाकर चलना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में पैसे के लेन देन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करते हुए आपको लोगों पर थोड़ा सा भरोसा भी करना पड़ेगा। मिथुन राशि वाले आने वाले एक सप्ताह में ये समझ लें कि लोगों के सहयोग से आप अपने कामकाज को और बेहतर बना पाएंगे, पर अपनी बचत को बचाए रखना थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, इसलिए जिंदगी के हर पहलू की सच्चाई को समझना तो पड़ेगा ही। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में अपनों के लिए जो आपके मन में अच्छे विचार बन रहे हैं वो सराहनीय है। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कदम जरूर आगे बढ़ा लें, आपको अच्छा लगेगा। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में कुछ अच्छा करने की संभावनाएं बहुत हैं, पर कमी आपकी ओर से है। आपका मन किसी भी चीज में लग ही नहीं रहा। जैसे कन्या राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में पैसे की स्थिति इस वजह से कमजोर है क्योंकि आपके लिए पैसे को संभालना कठिन होता चला जा रहा है, जबकि सच्चाई ये भी है कि आपको अपनों का पूरा सहयोग मिला हुआ है। अपने विचारों को लोगों के आगे रखेंगे तो लोग उन्हें जरूर समझ पाएंगे। तुला राशि वाले आने वाले एक सप्ताह में अपनी ओर से हर तरह की कोशिश कर लें और बड़ों का मान भी रख लें। जितना मन में धैर्य बनेगा उतना ही आप अपनी गलतियों से बच पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप जैसे पैसे को संभाल नहीं पा रहे। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। हालात को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी। धनु राशि वाले आने वाले एक सप्ताह में जो भी योजना बना रहे हैं उसमें दम है। यही वजह है कि कामकाज से भी लाभ सुनिश्चित है और हालात भी कुल मिलाकर मददगार ही बने हुए हैं, फिर भी आपका मन बहुत भटका हुआ है। मकर राशि वाले आने वाले एक सप्ताह में कई तरह के परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और यात्रा और बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। अच्छी बात यह है कि आप अपना फोकस बेहतर कर लें ताकि तकदीर भी अपना पूरा योगदान दे पाए। कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में आर्थिक स्थिति ठीक है और जिस भी काम में आप जुड़े हुए हैं उसमें आपकी लगन भी अच्छी है, फिर भी आपने अपने अंदर बहुत सारे दबाव बना रखे हैं जिसके चलते विचार नहीं मिल पा रहे। मीन राशि वालों के लिए आने वाले एक सप्ताह में कामकाज की स्थिति को समझने की कोशिश तो आपको करनी ही होगी। अगर काम का बोझ ज़्यादा है तो इस बात में भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेने में फ़ायदा ही होगा, तभी जाके आपके काम का समर्पण बन पाएगा। ये था जी आप सबका साप्ताहिक राशिफल। मुझे दीजिए इजाजत, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपका दैनिक राशिफल लेकर। नमस्कार।